5 राज्यों में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। कौन ऐसा कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ऐसा कहा है। कौन से वो 5 राज्य हैं जहां पर सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का एक बयान आता है। उनके बयान आने से पहले एक जो है सियासी उठापटक देखने के लिए मिली हरियाणा में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, और हरियाणा से खबर ये आती है कि 3 निर्दलियों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने बताया कि 5 राज्यों में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या कहा सौरभ भारद्वाज ने, आप उनका बयान सुनिए। हरियाणा से जो खबरें आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और मुझे यकीन है कि इंडिपेंडेंट MLAs को ये बात दिख रही है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शन है, तो वे डूबते हुए जहाज से निकल रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली और पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसलिए निर्दलीय ये जान गए हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है और इसलिए वो पहले ही बीजेपी से अलग हो रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है और 4 तारीख को देश भर के नतीजे सामने आएंगे। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 1 जून को चुनाव होना है। इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है और लोकसभा चुनावों की जब हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों राज्यों पर अगर खासकर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस दिल्ली में है। 7 सीटें हैं कुल दिल्ली में, जिसमें से 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कोई अलायंस पंजाब के लिए नहीं किया है। वहां पर 13 सीटें हैं और 13 की 13 सीटों पर आप और कांग्रेस दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ है इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ है NDA। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जाहिर तौर पर सौरभ भारद्वाज का बयान समझा जा सकता है कि उन्होंने केंद्र सरकार पर या बीजेपी पर किस तरीके से हमला बोलते हुए यह बयान दिया है। अब देखिए, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, अब ये तो जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा कि कहां किस पार्टी को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है और दिल्ली से जुड़ी चुनाव की तमाम खबरें और कवरेज आप दिल्ली तक पर देख रहे हैं। तमाम बयान जो नेताओं के द्वारा किसी भी दल के आते हैं वो हम आप तक साझा करते हैं। और आप चुनावों को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।